मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। इज माय वॉइस क्लियर टू यू? यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। अब है आप क्लास रेगुलरली क्यों नहीं कर रहे हो? मैम वो तो क्लास था। क्या था? मैम डाटा खत्म हो गया था। अच्छा अभी है? यस मैम। ओके मैम, 3 दिन पहले फोन खराब हो गया था इसीलिए नहीं हो पाई थी 2 दिन क्लास। कोई बात नहीं। चलो सो लास्ट टाइम हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे ना, सिंड्रेला। यस मैम। नंदिनी। यस मैम। आदित्य की जो बुक है इंग्लिश की, यस मैम, बुक देखी है उसकी? यस मैम देखी है। तो उसके क्वेश्चन आंसर्स में आप उसकी हेल्प नहीं करा सकती है? इतना टफ है आपके लिए? बताइए। ओ मैम। तो उसका जो क्वेश्चन थर्ड वाला जो उसका चैप्टर है, जो जो क्वेश्चन नहीं हुआ है उसको कराइए। जो अगर नहीं आएगा फिर भी करने पे, तो वो क्वेश्चन आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? यस मैम। हाँ उसका काम हो जाना चाहिए। वो बोल रहा है कि उसका थर्ड वाला चैप्टर नहीं हुआ है, गांव चला गया था, तो आप उसकी हेल्प कराइए और उसका काम कंप्लीट कराइए। यस मैम। चलो सो ये हम लोग स्टोरी कहाँ तक पढ़ लिए थे बताओ नंदिनी? मैम हम लोग एल्स बट हर तक पढ़ लिए थे। हाँ वो तो पढ़ लिए थे पेज नंबर 31 पे, लेकिन क्या क्या उसमें हुआ था स्टोरी में ये बताइए मैम। शुरू से नहीं, थोड़ा सा बता दीजिए शॉर्ट में। मैम वो जो सिंड्रेला थी वो रो रही थी ना, तो तभी वहाँ पर गॉड गॉड मदर आई थी, तो उसने उसको एक मतलब की अपनी स्टिक से जादू किया था, तो उससे वो बहुत सुंदर हो गई थी, उसकी ड्रेस भी अच्छी हो गई थी और फिर वो पार्टी में गई थी। तो मैम वो सब जो लेडीज थी वो सब देख रही थी, तो वो बहुत हो रही थी, तो जो प्रिंस था उसके संग वो डांस कर रही थी सिंड्रेला। हाँ, देखो सो एक जेंटलमैन था, है ना, एक जेंटलमैन रहता था एक जगह पर। वहां पर एक उसकी जो वाइफ थी, बहुत सुंदर सी वाइफ थी, और लेकिन वो बहुत बीमार हो गई, तो उसके उसकी एक बेटी भी थी, बहुत प्यारी सी उसकी एक बेटी भी थी। बीमार हो गई तो बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद जेंटलमैन ने दूसरी लेडी से मैरिज करी, और फिर वो जो दूसरी लेडी थी वो बहुत बुरी थी, है ना, वो जो छोटी बच्ची थी उसको बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, और उसकी दो और स्टेप सिस्टर्स हो गई, है ना, दो बच्चे और उनके हो गए, दो लड़कियां, और उन दोनों को वो जो लेडी थी वो बहुत प्यार करती थी, लेकिन सिंड्रेला से सारा काम कराती थी, बर्तन कपड़े कपड़े धुलना कपड़े सिलवाना सब कुछ। और उसको कहाँ सुलाती थी? राख के बगल में। कहाँ सुलाती थी? सिंड्रेल पर, है ना। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सिंड्रेला पड़ गया। सिंड्रेला वो सिंडर्स के पास सुलाती थी। सिंडर्स मतलब होता है बच्चों, किसके तरफ से इतनी आवाज आ रही है? अब है किसके माइक? हाँ सो सिंडर्स के पास सुलाती थी, जहाँ पे आग जलती थी और उसकी राख रहती थी वहां पे सोती थी, उसका नाम सिंड्रेला हो गया। इतना बुरा बिहेवियर करने के बाद भी सिंड्रेला जो थी वो अपने
फैमिली से, मतलब अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहनों से नफरत नहीं करती थी, वो उनके लिए अच्छे से अच्छा काम करके देती थी। और जब भी वो लोग सुंदर सुंदर कपड़े पहनती थी, सिंड्रेला का भी बहुत मन करता था कि मैं भी वो कपड़े पहन पाऊं। फिर एक दिन पूरे शहर में राजकुमार ने इनविटेशन भेजा, एक बॉल का इनविटेशन, मतलब एक पार्टी का इनविटेशन। सारे लोग बहुत खुश थे, उसकी जो सौतेली माँ और बहनें थी वो उनसे कपड़े बनवा रही थी सिंड्रेला से, खूब अच्छे से तैयार होके जाने लगी। जब वो सब चली गई, सिंड्रेला भी रोने लगी, उसका भी मन किया जाने का। तभी तभी एक फ्लैश जला जिसमें वो कुछ देख नहीं पा रही थी, मतलब बहुत उसकी आंखें चमक रही थी, इतना ज्यादा रोशनी था। और जब उसने अपनी आंखें खोली तो क्या देखा, एक लेडी है जिनके हाथ में एक जादुई वैंड है, जो वो जादुई छड़ी है ना। तो उन्होंने कहा, जो लेडी थी उन्होंने कहा, आई एम योर फेरी गॉड मदर, मैं तुम्हारी फेरी गॉड मदर, आई एम हियर टू ग्रांट योर विश, मैं यहाँ पर आई हूँ तुम्हारी विश को पूरा करने के लिए। यू शैल गो टू द बॉल, और तुम पार्टी में जाओगी। चलो अब आते हैं पेज नंबर 31 पर। हाउ कैन आई ओ काइंड गॉड मदर, सिंड्रेला उनसे कहती है गॉड मदर से कि आप कह रही हो कि मैं जा सकती हूँ, लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरे पास तो कोई ड्रेसेस नहीं है, ना तो मेरे पास कुछ है, हम कैसे जा सकते हैं वहां पे। तो टीयर्स रोल डाउन सिंड्रेलास चीक, सिंड्रेला के गालों पर आंसू गिर रहे थे, वो रो रही थी। हाउ कैन आई गो इन दीज टैटर्ड क्लोथ, इस फटे पुराने कपड़े में मैं कैसे जा सकती हूँ। यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट, तो फेरी गॉड मदर ने क्या कहा कि तुमको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जस्ट डू एज आई से, बस मैं जैसा कहूँ वैसा ही करो। फेच मी अ लार्ज पम्पकिन एंड योर बर्ड केज, तुम एक बड़ा सा पम्पकिन मेरे पास लेकर आओ, और तुम्हारे घर में कोई बर्ड है जिसका पिंजरा है, केज है, वो लेकर आओ, सेड द फेरी। सिंड्रेला फॉलोड हर एडवाइस, और सिंड्रेला ने उनकी सारी बात मानी। उसने एक पम्पकिन अरेंज किया, कद्दू, और एक केज जिसमें चिड़िया लोग रहती है, उस पिंजरे को। द फेरी टच द पम्पकिन विद हर मैजिक वैंड, और परी ने जो पम्पकिन था उसको अपनी जादुई छड़ी से टच किया। इट टर्न्ड इनटू अ मैग्निफिसेंट कोच, और फिर वो जो पम्पकिन था वो एक बहुत सुंदर सा कोच बन गया, बहुत अच्छा सा एक बैठने की जगह बन गई। देन शी टर्न्ड सिक्स पिजन्स इनटू ग्रे अरेबियन हॉर्सेस, और फिर वो जो पंछी का जो पिंजरा लाई थी वो उन छह पिजन्स को, उन छह कबूतरों को परी ने क्या बना दिया, अरेबियन हॉर्सेस बना दिया, अरेबियन घोड़े। अरब के घोड़े आप जानते हो सबसे सुंदर सबसे अच्छे होते हैं, तो वही घोड़े उन्होंने कबूतर को घोड़े बना दिए। एंड ओल्ड पैरेट वॉज टर्न्ड इनटू अ कोचमैन विद लार्ज विस्कर्स, सो जो ओल्ड सा पैरेट था, एक बूढ़ा सा पैरेट भी था उस केज के अंदर, उसको परी ने क्या बना दिया, एक क्या बना दिया, कोचमैन। हाँ, कोचमैन क्या होता है आपने देखा होगा ना, जो रथ वथ टाइप का रहता है जिसमें जो लोग हाँकते हैं उसको, उसी yes, क्या कोचमैन, तो वो उसका कोचमैन बन गया। फिर विद द लार्ज विस्कर्स, हाँ विस्कर्स मतलब है बड़ी बड़ी मूछे, उस कोचमैन को, उस ओल्ड पैरट को उन्होंने बड़ी बड़ी मूछे भी दे दी। शी टर्न्ड सिक्स एंट्स इनटू सिक्स बॉडीगार्ड्स हु प्रॉम्प्टली क्लाइंब अप द कोच, और वहां पे छह चींटियां थी जिनको परी ने क्या बना दिया, बॉडीगार्ड बना दिया, बॉडीगार्ड कोच पे क्लाइंब करके चढ़ के उसकी रक्षा करेंगी। सिंड्रेला क्राइड इन अमेजमेंट एट ऑल दिस, सिंड्रेला बहुत जोर से चिल्लाती है, खुश हो जाती है। द फेरी सेड, फेरी ने कहा, सिंड्रेला
यू कैन गो टू द बॉल नाउ सिंड्रेला, अब तुम पार्टी में जा सकती हो. बट लेकिन हाउ कुड सिंड्रेला गो टू द बॉल इन सच शेबी रैग क्लोथ्स. सो उसने कहा कि ठीक है जा सकती है, लेकिन इस तरह के फटे पुराने कपड़ों में कैसे जाएगी. She looked at her clothes. अब परी ने उसके कपड़ों की तरफ देखा. With her magic wand, the fairy touched her clothes. अपने magic wand से, जादुई छड़ी से, fairy ने अपने उसके कपड़ों को टच किया. Her clothes changed into a most magnificent ball gown embroidered with gold and silver thread. और उसके जो कपड़े थे वो सुंदर से गाउन में बदल गए, जिसमें सोने और चांदी के धागे लगे हुए थे. Studded with precious gems on the collar. Studded मतलब जड़ा होना. तो सुंदर सुंदर महंगे महंगे उसमें पत्थर जड़े थे, जो नहीं होता मोती जैसे जड़े होते हैं. Yes, ma'am. On her feet, उसके पैरों पे She had beautiful silver shoes covered with crystal. और उन्होंने उसको सुंदर से सिल्वर कलर के जूते पहनाए जो कि क्रिस्टल से कवर थे. She looked most graceful in her dress. वो बहुत सुंदर लग रही थी उस ड्रेस में. As Cinderella merrily climbed into the coach. Cinderella जो थी वो खुशी खुशी कोच में चढ़ गई. The fairy wand. Fairy ने उसको वॉन किया, आगाह किया. Enjoy yourself. खूब अच्छे से enjoy करना. But remember, लेकिन याद रखना, at the stroke of midnight. आधी रात बजते ही all my magic will vanish and with it all the magnificent things you now have. So वो कह रही आधी रात जैसे ही होगी मेरा पूरा का पूरा जो जादू है वो खत्म हो जाएगा और जो जो तुम्हें मैंने सुंदर सुंदर चीजें दी हैं सब गायब हो जाएंगी, वैनिश हो जाएंगी. Everything will be as it was. जैसे है वैसे सब कुछ हो जाएगा. You must return before that. तुमको आधी रात से पहले आना ही पड़ेगा. At the ball, everyone was amazed to see her beauty. पार्टी में सब लोग सिंड्रेला की खूबसूरती देखकर अमेज थे, हैरान थे. Everyone wondered how she could be. सब लोग आश्चर्य में थे कि कैसे ये इतनी सुंदर हो सकती है. No one had seen her before. किसी ने उसको पहले नहीं देखा क्योंकि उसकी सौतेली बहने और जो माँ थी वो कभी उसको कहीं नहीं लेकर जाती थी अपने साथ. हर ब्यूटी आउट शोन एवरी अदर लेडी इन द हॉल. जितनी भी वहां पे लेडीज थी सबसे सुंदर वही लग रही थी, सिंड्रेला लग रही थी. व्हेन द प्रिंस सॉ हर, जब राजकुमार ने सिंड्रेला को देखा, ही फेल इन लव विद हर एट फर्स्ट साइट. उसने वो देखते ही उससे लव हो गया. He would dance with no one else but her. अब प्रिंस को वो इतनी पसंद आ गई कि वो सिर्फ उसी से उसी के साथ डांस करना चाहता था. Cinderella danced gracefully through the evening into the deep night. शाम से लेकर रात तक Cinderella नाचती रही. She forgot all her agony. वो अपना सारा चेतावनी जो था वो भूल गई. एगोनी मतलब जो उसका जो दिमाग पे टेंशन था ना, जितनी चीजें जो उसके साथ घर में इतनी बुरी बुरी चीजें होती थी, दुख था, मुसीबत था, सब वो भूल गई. बहुत खुश थी. एज द लार्ज क्लॉक ऑन द टावर बिगेन टू स्ट्राइक 12, जैसे ही जो बड़ी सी घड़ी लगी हुई थी वहां पर उसमें 12 बजने वाले थे. She awoke from the fancy. वो उस fancy से, उस dream से, उस अच्छे moment से जाग गई. She looked at the clock in disbelief. और and got herself freed from the prince and ran towards the exit even without saying goodbye to the prince. अब जैसे ही वो उसने देखा कि 12 बजने वाले हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो दौड़ कर नीचे जाने लगी. उसने प्रिंस को गुड बाय भी नहीं कहा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, she was descending down the stairs
among running, वो सीढ़ियों से दौड़ कर उतरने लगी, तेजी से उतरने लगी. 7, 8, 9, 10, she could see her magnificent coach on the palace entrance. और ये seconds बीत रहे हैं और वो तुरंत 10 seconds में वो नीचे गई और उसने अपना सुंदर सा जो कोच था वो देखा, उसमें बैठी. She felt that the prince was coming after her. उसको लग रहा था कि जो प्रिंस है, राजकुमार है, वो उसका पीछा कर रहे हैं. She tripped, वो जल्दी से भागी. On her shoes put off, और वो अपने शूज को उतार दी. But she continued a descent, हाँ, to descend the stairs. वो उतरते उतरते सीढ़ी से अपने शूज भी उतार रही थी. 11, she was at the entrance of the palace. अब 11 हो गया, वो पैलेस के एंट्रेंस पर आ गई. एज शी वॉज अबाउट टू टच द कोच, द टावर क्लॉक स्ट्रक द 12th टाइम. और जैसे ही वो उसने कोच को छुआ, कोच पर बस उसने टच किया कोच को, वैसे ही जो घड़ी थी वो भी 12 बजा दी. ऑल द मैजिक वैनिश्ड इनटू थिन एयर, सारा जो जादू था वो गायब हो गया. She looked around helplessly. She was in her rags once again. उसने अपने आसपास देखा, उसका सब कुछ जा चुका था, सिर्फ उसके जो फटे पुराने कपड़े थे, जो पुरानी उसकी हालत थी, उसमें सिंड्रेला वापस से आ चुकी थी. As she made her way towards her house, अब वो दौड़कर अपने घर जा रही थी. She realized that all magic had not quite gone. उसको तब एहसास हुआ कि पूरा का पूरा जो जादू था वो अभी तक नहीं गया है. She still had one shoe on her one foot. उसको लगा कि अभी तक उसका जो जादुई जूता था वो उसके पास रह गया. She took it in her hand and walked barefoot. उसने अपने उस एक जूते को, एक जूता ही उसके पैर में था, उसने एक जूते को अपने हाथ में लिया और बिना जूते के खाली पैर ऐसे दौड़ने लगी. When the prince saw Cinderella running outside, he came after her. और जैसे ही जब Cinderella को प्रिंस ने भागते हुए देखा, तो वो भी उसके पीछे आए. He saw her tripping on the stairs and leaving behind her one shoe. प्रिंस ने देख लिया था कि Cinderella दौड़कर सीढ़ी से बाहर गई और उसका एक जो जूता है वो उसके स्टेयर्स पर, सीढ़ियों पर छूट गया है. सो शी, हाँ, ही पिक्ड अप द शू बट ही कुड नॉट फाइंड हर. प्रिंस ने जूते को उठा लिया लेकिन प्रिंस को Cinderella कहीं नहीं मिली, वो भाग चुकी थी. He did not know even her name and address. और प्रिंस की उससे बात नहीं हुई थी, तो उसको ना तो उसका नाम पता था ना ही एड्रेस. The prince wanted to marry her. अब प्रिंस उससे शादी करना चाहते थे. So he declared that he would marry the girl who had left her shoe on the stairs. तो प्रिंस ने पूरे शहर में ऐलान करा दिया कि वो उसी लड़की से शादी करेंगे जिस लड़की का जो लेफ्ट शूज है वो यहाँ पर छूट गया है. A search was ordered for the girls. एक टीम भेज दी गई सर्च के लिए कि उस लड़की को ढूंढकर लाया जाए. He ordered the soldiers to look for the girl on whose foot the shoe fitted properly. तो प्रिंस ने ऑर्डर किया कि उस लड़की को ढूंढकर लाया जाए जिसका जो ये शू है उसके पैरों में प्रॉपरली फिट होगा. They visited Cinderella's house too. वो Cinderella के घर भी गए, उसके जो सोल्जर्स थे ढूंढ रहे थे वो Cinderella के घर भी गए. Cinderella's stepsisters tried to put on the shoe but in vain. अब Cinderella की जो सिस्टर्स हैं वो भी इसको ट्राई करती हैं शूज को लेकिन उनको फिट नहीं आता. द शू वॉज टू थिन टू फिट ऑन द देयर फीट. जो जूता था वो बहुत पतला सा था, वो उनके पैरों के बराबर नहीं था. एज द रॉयल सोल्जर्स वर अबाउट टू लीव, जैसे ही जो सिपाही थे वो वापस जाने लगे,
द लीडर आस्क, लीडर ने उसे कहा, इज देयर एनी अदर लेडी इन द हाउस, क्या कोई और भी लड़की घर में है जिसके पैरों में ये जूते आ सकते हैं? यस देयर इज आवर मेड सर्वेंट बट शी कुडंट, तो उसकी माँ कहती है कि हाँ हमारी नौकरानी है लेकिन उसके पैर में ये जूते नहीं आएंगे। कॉल हर हियर, ऑर्डर द लीडर, तो जो लीडर था सोल्जर्स का उन्होंने उसको बोला कि उस लड़की को भी बुलाओ, जो मेड है सर्वेंट है उसको भी बुलाओ, उसको भी चेक कराओ। When Cinderella was about to sit on the chair to try the shoe, जैसे ही सिंड्रेला बैठी चेयर पर उस शू को ट्राई करने के लिए, one of her sisters commented, उनमें से एक उसकी सौतेली बहनों ने कमेंट किया, the prince would never marry you, जो प्रिंस है राजकुमार है वो कभी तुमसे शादी नहीं करेंगे। Unfazed, Cinderella sat down calmly, सिंड्रेला ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और शांति से बैठी। द शू फिटेड ऑन हर फुट परफेक्टली, और जो जूते थे वो सिंड्रेला के पैरों में बिल्कुल परफेक्टली फिट हो गए थे। हर स्टेप सिस्टर्स हैड मोर रीजन टू बी एस्टोनिश्ड व्हेन दे सॉ हर ब्रिंग फ्रॉम अ हिडन प्लेस द अदर शू एंड पुट इट ऑन, और उसकी जो सौतेली बहनें और माँ थी वो लोग और ज्यादा खुश अमेज हो गई, आश्चर्य में आ गई जब उन्होंने देखा कि सिंड्रेला के पास दूसरी जोड़ी जो जूता है वो भी रखा हुआ है और सिंड्रेला ने उसको दोनों जूतों को पहन लिया। As the royal soldiers guided Cinderella to the coach to go to the prince, the two step sisters coupled with their mother begged for her to forgive them for their mean behavior, which of course she did. So, जब सिंड्रेला कोच में बैठ रही थी राजकुमार के पास जा रही थी तब उसकी जो सौतेली माँ और बहनें थी उन लोगों ने उसके हाथ पैर जोड़े कि हमें हमारे उस गलत बिहेवियर के लिए माफ कर दो, और ऑफ कोर्स सिंड्रेला ने माफ कर दिया क्योंकि पहले भी सिंड्रेला उनसे नाराज नहीं रहती थी। द प्रिंस एट वंस रिकॉग्नाइज्ड सिंड्रेला, और जैसे ही प्रिंस ने उसको देखा उसने सिंड्रेला को पहचान लिया। सून आफ्टर, जल्दी ही दे वर मैरिड एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और जल्दी ही उन दोनों ने शादी कर ली और फिर खुशी खुशी साथ में रही। चलिए अब देखिए real mother died and he get a stepmother. मैम कहाँ से लगाएं? बता रहे देखो ये वाला दिख रहा है मैम कहाँ, ये दिख रहा है फर्स्ट वाला पेज नंबर 30 पर, द जेंटलमैन मैरिड अगेन, ये है मैम यहाँ यस मैम, यस मैम मैम बस इतने ही लिखेंगे? नहीं नहीं बता रहे हैं, रुको ये दिख रहा है सिंड्रेलाज मदर फेल सीरियसली इल, यस मैम एंड डाइड, ये ना देखो ये ना यहाँ पर लेडी की जगह पर क्या होगा, सिंड्रेलाज मदर फेल सीरियसली इल
एंड डाइड सून आफ्टर, ये दिख रहा है ना ये, एंड डाइड सून आफ्टर, और बहुत ही जल्दी उनकी डेथ हो गई, दिख रहा है? यस मैम। यहाँ से यहाँ तक सिंड्रेलाज मदर, ये हमने लिखा ना देखो यहाँ पर, सिंड्रेलाज मदर फेल सीरियसली इल, ऐसे ही यहाँ पे आपको लिखना है, सेम यही चीज लिखा है हमने वहां। समझ गए आकांक्षा, समझ में आ रहा है? यस मैम। जिसको नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछेगा, कोई ऐसा नहीं है जिसका काम नहीं होना। मैम सबसे पहले सिंड्रेला इज मदर फेल सीरियसली इज नहीं इज नहीं सिंड्रेलाज अपॉस्ट्रोफी एस है यहाँ पर, अपॉस्ट्रोफी एस है, ये जो कॉमा होता है ना ऊपर अपॉस्ट्रोफी का साइन, ये है सिंड्रेला मदर फेल सीरियसली, मदर फेल सीरियसली इल एंड डाइड सून आफ्टर। फिर मैम उसके बाद द जेंटलमैन मैरिड अगेन, बस लास्ट में ये लिखेंगे ना मैम? हाँ फिर दिस इज हाउ शी गॉट, देखो दिस इज हाउ शी गॉट, दिख रहा है? दिस इज हाउ शी गॉट, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, दिस इज हाउ शी गॉट अ स्टेप मदर। ये लिखा है ना, दिस इज हाउ शी गॉट अ स्टेप मदर, यस मैम। यस मैम क्या लिखी हो मैम? दिस इज हु सी, पूरा बताओ, पूरा बताओ, स्टार्टिंग से क्या लिखी हो मैम? मदर लेरस, सबसे पहले लिखना है सिंड्रेलाज मदर फेल सीरियसली इल, लिखा है कि नहीं? एंड डाइड सून आफ्टर, फिर लिखना है द जेंटलमैन मैरिड अगेन, है ना? फिर दिस इज हाउ शी गॉट अ स्टेप मदर, दिस इज हाउ शी गॉट अ स्टेप मदर, मिला? यस मैम। आकांक्षा पढ़ नहीं पा रही हो तो बता दो, कर क्लियर ठीक से? यस मैम। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ बैडली डिड द स्टेप मदर एंड स्टेप सिस्टर्स बिहेव विद सिंड्रेला, सिंड्रेला की जो स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर थी वो उसके साथ कैसा बिहेव करती थी? मैम सिंड्रेला स्टेप मदर एंड स्टेप सिस्टर बिहेवियर, सिंड्रेला मेड सर्वेंट। हाँ मैम आपकी स्क्रीन नहीं आ रही, आएगी। इसका आंसर थोड़ा बड़ा है। यस मैम। ये वाला देखिए, ये वाला आंसर लिख लीजिए। मैम आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं? यस मैम आप आ रही है। ये है ना यहाँ पर द गर्ल स्पाइटफुल स्टेप मदर मेड द लिटिल गर्ल डू ऑल द हाउस होल्ड कोर्स एंड ट्रीटेड हर लाइक अ मेड सर्वेंट। मिला? यस मैम मेड सर्वेंट। हाँ यस मैम मिल गया।
मैम ये पूरा है यही तक है मैम। हाँ हाउ कुड सिंड्रेला नॉट गो टू द बॉल, जो सिंड्रेला है वो बॉल में क्यों नहीं जा सकती, पार्टी में क्यों नहीं जा सकती? Cinderella can't go to the ball because she doesn't have any fair clothes to put on. ये दिख रहा है ये वाला, she too wanted to go to the princess ball but she had no fine dress put on and she could not go there in her tattered clothes. मिला मैम ये पूरा मैम कहाँ से बोल दी, उतना ही तो लिखोगी ना, ये यहाँ से यहाँ तक ही तो पढ़ा है हमने, पूरा पूरा क्या होता है? She too wanted to go to the prince clothes तक बोला है हमने। Yes ma'am। क्वेश्चन पूछ लगते हो बिना मतलब के, यहाँ से पूरा बोला है, ये वाला पूरा करिए, यहाँ से पूरा यहाँ तक। Yes ma'am कर ली। Yes ma'am हो गया। Yes ma'am। Next question देखो क्या है? How did the fairy help Cinderella to go to the ball? फेरी ने सिंड्रेला की कैसे हेल्प करी पार्टी में जाने के लिए? फेरी टर्न्ड हर टैटर्ड क्लोथ्स इनटू ब्यूटीफुल क्लोथ्स एंड टच्ड द पंपकिन विद अ मैजिक वैंड एंड टर्न्ड इट इनटू अ कैरेज एंड शी टर्न्ड सिक्स पिजन्स इनटू द अरेबियन हॉर्स एंड ओल्ड पैरेट पैरेट turned into a coachman with large whiskers. She turned six tanks into six bodyguards who promptly climbed up the coach. Like this, the fairy godmother helped Cinderella to go to the ball. हाँ, ये वाला जो है ना यहाँ पर पेज नंबर 31 पर ये वाला, यहाँ से यहाँ तक फेरी से खोज तक हो गया। क्लोथ्स का भी करना है क्या? क्लोथ्स का भी मार्क करना है? नहीं नहीं इतना ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा, इतना तो आप लोगों को पता ही है ना, फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। फिर थोड़ा देखो, why had Cinderella to leave the ball early? Cinderella had to leave the ball early because the fairy warned her that all my magic will vanish at 12 midnight. हाँ चलो देखो ये क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ये है कि why had Cinderella to leave the ball early, है ना? तो yes ma'am Cinderella yes. had लिखिए, Cinderella had to leave the ball early, दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लिखिए, Cinderella had to leave the ball early, यहाँ पर had होगा। yes ma'am हो गया yes ma'am। इसके बाद यहाँ पर आइए, ये है ना, एक सेकंड रुकिए,
एट द स्ट्रोक दिख रहा है ना, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑल मैजिक, ये माई हटा दीजिए, ऑल मैजिक विल वैनिश एंड विद इट ऑल द मैग्निफिसेंट थिंग शी नाउ हैव. नाउ हटा दीजिए शी, यहाँ पर शी लिखिए, शी हैज, ये हैव की जगह पर हैज हो जाएगा, शी हैज, S H E she H A S has लिखा. बच्चों टाइम हो गया, जल्दी करिए, ये वाला आंसर लिख लीजिए. यहाँ पर यू नाउ हटाकर she has, everything will be as it was, she must, यहाँ पर होगा she must return before that. यहाँ तक है फिफ्थ वाला, करिए आकांक्षा. हो गया मैम, किस साइड है? यहाँ से सिंड्रेला टू लीव द बॉल, सिंड्रेला हैड टू लीव द बॉल अर्ली, यहाँ से ये पहला लिखोगी, फिर उसके बाद ये लिखोगी, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑल द मैजिक, ऑल मैजिक विल बी वैनिश एंड विद इट ऑल द मैग्निफिसेंट थिंग्स शी हैज, यू हैव नाउ की जगह पर शी हैज, हो गया. फिर यहाँ पर शी लिखोगे यू काट के, फिर यहाँ तक लिख दोगे, सबका हो गया. यस मैम.